श्री हेमकुंड साहिब की प्राकृतिक सुंदरता और दिन भर की धूप ने विश्व भर के लिए एक संदेश भेजा है जिससे श्रद्धालुओं का उत्साह बढ़ा है। एक ओर जहां लोग अपने पूज्य गुरु को नमन करने के लिए इस स्थल पर उमड़ रहे हैं, तो वहीं श्री हेमकुंड साहिब के लिए पूरा मार्ग खुला है और ट्रैक मार्ग अच्छी तरह से बनाया गया है जिसमें सार्वजनिक सुविधाएं हैं। आपको बता दें कि गुरुद्वारा श्री हेमकुंड साहिब प्रबंधन ट्रस्ट राज्य और जिला प्रशासन के सहयोग से यात्रा का प्रबंधन करता है। इसी को लेकर ट्रस्ट के अध्यक्ष नरेंद्र जीत सिंह बिंद्रा ने कहा कि हम गर्व से कहते हैं कि यह शायद एकमात्र संगठन है जो दर्शनार्थियों को संपूर्ण यात्रा मार्ग पर निशुल्क ठहरने और भोजन की सुविधा प्रदान करता है। इसके आगे उन्होंने कहा कि इस वर्ष लगभग 2 लाख तीर्थयात्री श्री हेमकुंड साहिब की यात्रा कर चुके हैं। जो भी इस वर्ष यात्रा करना चाहते हैं वे जल्द योजना बनाएं क्योंकि यात्रा 10 अक्टूबर तक खुली रहेगी। चमोली से नीरज कंडारी की रिपोर्ट। हमें अपने यूपीसीएल मुख्यालय से लगभग 2 करोड़ के प्रस्ताव पास हुए हैं कार्यों के, जिससे जनता को बहुत लाभ होने की उम्मीद है। एक तो सबसे पहले जो जाड़ों में हमारे ट्रांसफॉर्मर ओवरलोड हो जाते हैं, तो उन सभी बहुत सारे ट्रांसफॉर्मरों की क्षमता वृद्धि के लिए, जैसे दुगाल खोला में है, 1 63 से 250 का ट्रांसफॉर्मर होता है, एक जो है इधर घुड़सों में कई सारे ट्रांसफॉर्मर हैं, जाखम देवी सेक्शन में है, लमगड़ा में है, इसी तरह विभिन्न स्थानों पर हमने प्रस्ताव भेजे थे, वो सभी के सभी स्वीकृत होकर आ गए हैं। और दूसरा जो सबसे मेन है, जैसे लमगड़ा बाजार में और कसार देवी जो कि पर्यटन स्थल है, वहां पर क्या है कि खुले तार हैं और उससे कभी कभी मौसम की वजह से ब्रेक डाउन हो जाते हैं या फॉल्ट आ जाते हैं, विद्युत व्यवधान उत्पन्न हो जाता है और पर्यटन में होटल व्यवसायियों को और पर्यटकों को भी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। लेकिन वहां पर हमने बेयर कंडक्टर्स यानी खुले तारों को एबी केबल से परिवर्तित करने का हमने वो स्वीकृति प्राप्त हुई है, जिससे पर्यटन स्थल कसार देवी में पर्यटकों और होटल व्यवसायियों को बहुत ही राहत होगी मिलेगी। और जरा सा जैसे हवा चलने पे या मौसम खराब होने पर तार भिड़ जाते फिर तार टूट जाते हैं, फिर शटडाउन लेना पड़ता है, या कोई कभी कभार एक्सीडेंट का भी खतरा रहता है वर्षा ऋतु में, तो इस तरह के खतरों से हमें मुक्ति मिलेगी और विद्युत आपूर्ति में बेहतरी होगी। कुल मिला के अल्मोड़ा को 2 करोड़ के प्रस्ताव प्राप्त हुए, जिनके शीघ्र ही टेंडर निकाले जा रहे हैं और शीघ्र ही उनके कार्य प्रारंभ कर दिए।